नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंद शेफ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे 42 ट्रे वाले रोटरी रैक ओवन के बारे में। हम बताएंगे कि इस ओवन में आप कितना माल बना सकते हैं, कितनी ब्रेड बना सकते हैं, कितना रस बना सकते हैं, कितना पाव बना सकते हैं। साथ के साथ हम ये बताएंगे कि कितना लोड लेता है, और साथ के साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसको बनाने में कितना खर्चा आता है, मतलब कि ये कितने में पड़ेगा, इसका प्राइस क्या है। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये ओवन आपको पास से दिखाते हैं। अब आप देखेंगे इसमें हाई क्वालिटी के कंट्रोल सिस्टम लगे हैं, और ये हमारी 42 ट्रे वाली ट्रॉली है। आप देख सकते हैं ओवन के अंदर की बॉडी भी स्टेनलेस स्टील की है। और हमारे ओवन में श्नाइडर इलेक्ट्रिकल के कंट्रोल सिस्टम लगे हैं, जो कि बहुत हैवी ड्यूटी होते हैं और आप मान सकते हैं कभी ख़राब ही नहीं होते हैं। और साथ के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हम इस ओवन में आपको रेलो का बर्नर लगा के देंगे। ये फ्यूल बर्नर है, डीजल बर्नर है, जो कि इटालियन रेलो कंपनी का है। ये प्रोडक्ट भी बहुत हैवी ड्यूटी होता है और इसकी मेंटेनेंस बहुत कम होती है, इसको बहुत कम सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। और इस ओवन का साइज़ है, आप ऐसे सामने से देखेंगे तो ओवन की चौड़ाई है 4 फुट 2 इंच, यानी कि 50 इंच, और ऐसे अगर आप हम इसकी लंबाई देखेंगे तो ये 7 फुट है, एग्जैक्टली 7 फुट है, मतलब इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक 7 फुट है। और इसकी हाइट ग्राउंड से लेके और जो इसकी मोटर इंस्टॉलेशन है वहाँ तक लगभग 8 फुट है। तो हमने अब इसका डायमेंशन बता दिए। तो अब हम बात करेंगे कि इस ओवन में कौन सा माल कितना पकता है। जैसे कि मान लो आप ब्रेड बना रहे हैं, चाहे जंबो ब्रेड हो, चाहे 400 ग्राम की ब्रेड हो, चाहे 600 ग्राम की हो, चाहे 800 ग्राम की हो, तो ब्रेड अगर आप 8 घंटे ब्रेड बनाते हैं, मतलब सिर्फ ब्रेड ही बनाते हैं पूरा दिन में 8 घंटे ब्रेड बनाते हैं और लगातार बनाते हैं, तो आप 600 किलो से लेके 700 किलो ब्रेड रेडी कर सकते हैं 8 घंटे के अंदर। 8 से 9 घंटे के अंदर आप 600 किलो से 700 किलो ब्रेड रेडी कर सकते हैं। जैसे कि जंबो ब्रेड का पैकेट 2 किलो का होता है, तो आप 300 पैकेट जंबो ब्रेड के रेडी कर सकते हैं। और जैसे ही 400 ग्राम वाली ब्रेड आप 600 गुना 2.5, यानी कि लगभग 1500 पैकेट रेडी कर सकते हैं। अब बात आती है कि बिस्किट कितने रेडी हो सकते हैं। तो एक ट्रे के अंदर लगभग आधा किलो बिस्किट आते हैं, और इस ओवन के अंदर 42 ट्रे आती हैं, तो एक बार में 21 किलो बिस्किट पकेगा। बिस्किट लगभग 15 से 20 मिनट में पकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बिस्किट भी पूरे दिन में 500 किलो से ऊपर ये वाला ओवन पका सकता है। अब हम बात करेंगे रस की। तो रस को असल में 2 बार पकाना पड़ता है। एक बार रस की ब्रेड पकती है, यानी रस की लादी जिसको बोलते हैं, पहली बार में रस की लादी पकती है, फिर उसकी कटिंग होती है। कटिंग के बाद रस, जो ड्राई रस होता है, उसकी दोबारा बेकिंग होती है, मतलब टोस्टिंग होती है। तो इस वजह से रस की प्रोडक्शन थोड़ी कम आती है। तो रस की एक दिन की प्रोडक्शन लगभग 300 किलो के आसपास आएगी। वहीं अगर हम पाव बनाते हैं तो एक बार में इस ओवन के अंदर 30 दर्जन पाव बेक होगा, और पाव बेक होने का टाइम लगभग 20 मिनट होता है। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो 8 घंटे में ये ओवन लगभग 8500 पाव रेडी कर देगा, 8500 पाव के पीस रेडी कर देगा। तो इस तरह से अगर हम उसका वज़न निकालेंगे तो ये वज़न भी लगभग 600 किलो से 700 किलो के बीच में बैठेगा। इसी तरह से अगर हम बर्गर के बन की बात करें तो बर्गर का बन और पाव का वज़न लगभग सेम होता है। हालांकि आप हल्का पाव भी बना सकते हैं और हल्का बर्गर भी बना सकते हैं। तो अगर हम ठीक ठाक वज़न वाले बर्गर की बात करें तो वो भी आप लगभग 600 किलो बना सकते हैं। तो अब हमने आपको बताया कि अगर हम पूरा दिन एक ही आइटम बेक करें तो क्या कैपेसिटी होती है, लेकिन आम तौर पर ये प्रैक्टिकल नहीं होता है। हमें सारे आइटम बेक करने होते हैं, हमें रस भी बेक करना होता है, हमें पाव भी बेक करना होता है, हमें ब्रेड भी बनानी होती है। तो जब मिक्स बेकिंग करते हैं तो बीच बीच में ओवन थोड़ा खाली हो जाता है, और कुछ आइटम ज़्यादा बनते हैं, कुछ आइटम कम बनते हैं। तो इस हिसाब से हम बोलते हैं कि इस ओवन की कैपेसिटी 300 किलो से लेके 350 किलो माल बनाने की है। अगर सूखे आटे के टर्म में बात करें कि कितनी मैदा हम एक दिन में पका सकते हैं, तो वो लगभग 200 किलो मैदा का आइटम ये ओवन एक दिन में पका सकता है, सूखी मैदा की बात कर रहे हैं। अब हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो बेकरी में एक किलो पे प्रॉफिट का मार्जिन 10 रुपये से 20 रुपये हो सकता है। तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट पकड़ें 15 रुपये, तो अगर आप इस ओवन का प्लांट लगा सकते हो और आपकी बेकरी 8 घंटे की प्रोडक्शन अच्छे से बिक रही है, तो आप एक मतलब 300 किलो के हिसाब से 15 × 3 = 45, मतलब 4500 रुपये रोज़ कमा सकते हैं। यानी अगर महीने का देखेंगे तो 1.25 लाख रुपये के आसपास। वहीं अगर आपकी बेकरी अच्छी चल जाए, डबल शिफ्ट में काम हो, तो ये कमाई 2 से 2.5 लाख रुपये भी पहुँच सकती है।
और साथ के साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप खुद रिटेल करते हैं तो आपका मार्जिन भी बढ़ जाता है। उस केस में आपकी कमाई हो सकता है कि 3 लाख भी पार कर जाए, या अगर आप बहुत अच्छी बेकिंग करते हैं और अपना माल अच्छे दामों पर बेच सकते हैं तो भी आप अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। तो हम अब बात करते हैं प्राइस की, अगर इसका सेटअप लगाना है तो लगभग कितना खर्चा आएगा और इस ओवन की प्राइस क्या है। तो इस ओवन का प्राइस है 2,85,000 प्लस GST, और साथ के साथ इस ओवन के साथ आपको चाहिए 50 किलो का स्पाइरल मिक्सर, एक क्रॉस मिक्सर, अगर आप पैटी वगैरह बना रहे हैं पैटीज़ के लिए क्रॉस मिक्सर चाहिए होता है, साथ में आपको रस कटर और ब्रेड कटर चाहिए, और कुछ बेकरी की प्रोसेसिंग के लिए टेबल और रैक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सब मिला के आप लगभग 6 लाख में 42 ट्रे के ओवन के साथ अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो साथ के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस ओवन के साथ हम आपको 4 ट्रॉली देंगे, जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे ये 42 ट्रे की ट्रॉली है जिसमें आप रस, बिस्किट, पाव बेक कर सकते हैं। ट्रॉली के बारे में हम ये भी बताएंगे कि ट्रॉली में प्रोडक्ट के हिसाब से हाइट दी जाती है। जैसे कि आप ब्रेड बेक करते हैं तो हमें ट्रॉली के जो रैक्स होते हैं उसके बीच में ज़्यादा हाइट चाहिए होती है, तो हम आपको उसी हिसाब से बना के देंगे। आप 4 अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी 4 ट्रॉली चाहिए, ब्रेड के लिए चाहिए, बिस्किट के लिए चाहिए, पाव के लिए चाहिए। तो उस तरह से हम आपको 4 ट्रॉली इस ओवन के साथ बना के फ्री में देंगे। तो हमने आपको बताया इस ओवन का दाम कितना है। इस ओवन के साथ अगर आप बाकी इक्विपमेंट लेके अपना प्लांट स्टार्ट करते हैं तो आपको कितना खर्चा आएगा। तो आशा है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आगे भी हम आपको इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे। हम बेकरी के बारे में भी अलग तरह की आपको जानकारी देते रहेंगे कि बड़े प्लांट लगाने में कितना खर्चा होता है, रस कैसे बनता है, पाव कैसे बनता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमें एक लाइक दीजिएगा। तो साथ के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आपका कोई सवाल है या आपको कुछ जानना है तो आप इस वीडियो के कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देंगे। हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।